गाइस E3 के कैंसिल हो जाने के बाद पूरे दुनिया से गेमर्स वेट कर रहे थे गेम्सकॉम इवेंट का, जो कि इस साल जर्मनी में हुआ। जो इस इवेंट के बारे में नहीं जानते, तो गेम्सकॉम में एक गेम इवेंट है जहां पर बड़े बड़े गेम कंपनीज आते हैं और अपने गेम्स और टेक्नोलॉजीज को शोकेस करते हैं। वेल, इस बार ये इवेंट काफी एक्साइटिंग रहा, जहां बहुत ही बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए। जैसे कि एक ऐसा गेम अनाउंस किया गया जो कि रेड डेड रिडेम्पशन और असैसिन्स क्रीड दोनों का ही कॉम्बिनेशन लगता है। इसी के साथ GTA 6 तो इस इवेंट में अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन गेम को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। साथ ही में इस इवेंट में कुछ टेक्नोलॉजीज भी दिखाई गई, जिससे लो एंड PC यूजर्स को अब सारे गेम्स में 3 गुना ज्यादा FPS मिलेंगे, एंड वो भी बिना ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड किए। लगा ना बिल्कुल अनरियल। वेल, बने रहो इस वीडियो के एंड तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स जानने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए गेम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्रिम्जन डेजर्ट। तो इस पूरे गेम्सकॉम इवेंट में जो सबसे एक्साइटिंग गेम अनाउंस हुआ है वो है क्रिम्जन डेजर्ट। डेवलपर्स ने यहाँ पे प्रॉपर गेम प्ले ही दिखा दिया है लोगों को, जिसे देखने के बाद आप भी इम्प्रेस हो ही जाओगे। अब अगर आप इस गेम प्ले को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि डेवलपर्स ने क्या किया। जैसे जितने भी बड़े बड़े गेम्स हैं, जैसे कि विचर 3, असैसिन्स क्रीड, रेड डेड रिडेम्पशन, डेवलपर्स ने इन सारे गेम्स के फीचर्स को उठाया है और कंबाइन करके क्रिम्जन डेजर्ट में ऐड कर दिया है। फिर गेम का ओपन वर्ल्ड मैप रेड डेड रिडेम्पशन 2 की भी याद दिलाता है। इतना ही नहीं, गेम में बहुत से स्पेशल मूवमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल अनरियल लगते हैं। जैसे कि गेम का कैरेक्टर कभी भी ऊंचाई से कूद सकता है, और कूदने के बाद भाई पता नहीं है क्या ही चीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फॉल डैमेज नहीं होता और ये ग्लाइड करता जाता है। आप हॉर्स भी राइड कर सकते हो, एक जादुई स्टिक से बड़े फॉल्स को भी जंप कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो और पोर्टल से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हो। भाई इस ट्रेलर में इतनी सारी चीजें दिखाई गई गेम की 30 मिनट का ब्रेक डाउन भी कम पड़ जाए, और यही रीजन है कि क्रिम्सन डेजर्ट को लेकर गेमर्स में हाइप काफी बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं कि क्या ये गेम इतनी सारी चीजें डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके डेवलपर्स पर लेबिस हैं, जिन्होंने 2020 में डोकवी नाम के गेम को अनाउंस किया था, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और अब 2023 में क्रिम्जन डेजर्ट को भी शोकेस किया गया, जिसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। तो देखते हैं कि आखिर डेवलपर्स अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। एंड जब भी गेम से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसे चैनल पर कवर जरूर करेंगे। वेल, अगर आपने क्रिम्जन डेजर्ट का ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। डेल्टा फोर्स। आप में से काफी लोगों ने बचपन में डेल्टा फोर्स गेम को खेला ही होगा। इस सीरीज में काफी सारे गेम्स आए थे, जैसे कि ओरिजिनल डेल्टा फोर्स, डेल्टा फोर्स 2, डेल्टा फोर्स लैंड वॉरियर और डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन। वेल, फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फ्रेंचाइज में फिर से कभी गेम्स आएंगे, क्योंकि डेल्टा फोर्स के लास्ट गेम को रिलीज हुए भाई बहुत साल हो चुके हैं। लेकिन अब फैंस का वेट खत्म हो चुका है, क्योंकि गेम्सकॉम में न्यू डेल्टा फोर्स गेम का टीजर रिलीज किया गया, जो कि देखने में काफी इंप्रेसिव लग रहा है। एंड आई एम श्योर, इससे पहले अगर आपने कभी डेल्टा फोर्स खेला है तो इस न्यू टीजर को देखने के बाद आप काफी एक्साइटेड हो जाओगे। अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डेल्टा फोर्स हॉक ऑप्स एक रीमेक हो सकता है ओरिजिनल डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन का, जहां कैंपेन तो ओरिजिनल से सिमिलर होगा, लेकिन इस बार मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन आ सकता है। एंड फिलहाल इस गेम की कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। GTA 6 की अनाउंसमेंट तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गेम्सकॉम से, लेकिन इस बार काफी स्ट्रेंज चीज हुई स्टारफील्ड के इवेंट में। जब डेवलपर्स स्टारफील्ड गेम के बारे में बता रहे थे, तब एक जर्मन फैन आ जाता है स्टेज पर और लोगों से पूछने लगता है कि वेयर इज GTA 6, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग था। और ये ना पहली बार नहीं हुआ, इसने जर्मन टीवी और दूसरे चैनल पर जाके भी GTA 6 के बारे में पूछा है। अब पता नहीं इसका मोटिव क्या है, क्योंकि ऐसे स्टेज पर जाने से हमें GTA 6 की रिलीज डेट तो नहीं पता चलने वाली। लिटिल नाइटमेयर 3 का भी ट्रेलर आ चुका है। लिटिल नाइटमेयर के पुराने गेम्स ऑलरेडी काफी पॉपुलर थे, और इस बार फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गेम्सकॉम में लिटिल नाइटमेयर 3 को अनाउंस किया जाएगा, तो ये काफी बड़ा सरप्राइज था फैंस के लिए। वेल, अभी तक इस गेम की भी ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है, लेकिन ये 2024 में कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। AMD ने FSR 3 को शोकेस कर दिया है, जिससे गेमर्स की खुशी नहीं रुक रही है, क्योंकि अब इसका यूज करके लोग अपने ग्राफिक्स कार्ड में गेम्स के अंदर 3 गुना ज्यादा FPS ले पाएंगे। खास बात यह है कि जहां NVIDIA का सिमिलर टेक DLSS सिर्फ RTX कार्ड में ही काम करता है, वहीं AMD ना सिर्फ AMD के बहुत पुराने कार्ड्स बल्कि NVIDIA के GTX कार्ड में भी सपोर्ट करेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि AMD FSR 1000 गेम्स के सपोर्ट के साथ आएगा, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मेजर टाइटल्स तो कवर हो ही जाते हैं। तो अगर आपके पास भी पुराना ग्राफिक्स कार्ड है तो अब आप गेम्स के अंदर 3 गुना ज्यादा FPS पाओगे AMD FSR 3 को इनेबल करने के बाद, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 का भी टीजर ट्रेलर आ गया है, और भाई साहब ये क्या ही खतरनाक लेवल के ग्राफिक्स हैं। मॉडर्न वॉरफेयर 2 के ग्राफिक्स तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए ऐसा लगा नहीं था कि मॉडर्न वॉर 3 में ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन इस ट्रेलर ने सभी को गलत साबित कर दिया। मॉडर्न वॉरफेयर 3 को रिलीज किया जाएगा नवंबर 10th को, जिसमें अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर अभी से पैसे सेव करने लग जाओ, क्योंकि इस साल बहुत सारे बढ़िया AAA गेम्स रिलीज होने वाले। ब्लैक मिथ वुकोंग, जो कि एक एक्शन RPG गेम है, इसका एक और गेम प्ले आ चुका है। अब अगर आप इस गेम के बारे में नहीं जानते, तो ये बेस्ड है जर्नी टू द वेस्ट चाइनीज नॉवल।
पे, जिसमें शांगजांग नाम का एक मॉन्क होता है और उसके कंपेनियंस इंडिया आते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को ढूंढने। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर होता है सन वुकोंग, ऑल्सो नोन एज द मंकी किंग, जिसके पास इनक्रेडिबल पावर्स हैं। वेल, ब्लैक मिथ वुकोंग इस नॉवल पे ही बेस्ड है, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इस गेम के पहले भी गेम प्लेज आ चुके हैं जो कि देखने में काफी अच्छे थे, लेकिन इस बार का गेम प्ले और भी बढ़िया लग रहा है। एनिमेशन, फाइटिंग स्टाइल, एनवायरनमेंट, फिर बॉसेस, सब कुछ काफी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी गेम की रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया, तो देखते हैं कि आखिर इसे कब तक रिलीज किया जाता है। वेल, इस वीडियो में हमने गेम्सकॉम में हुए कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स को ही कवर किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है बताने के लिए, जिसे हम फ्यूचर के वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही गेमिंग, एनीमे और टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए गेम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।